हरियाणा के युवाओं के लिए बुरी खबर, सीएम खट्टर का यह फैसला उड़ा देगा आपके होश। प्रदेश में हुक्का शौकीन हो जाए होशियार, अब नहीं चलेगा हुक्का बार का खेल। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने नशे के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया है। सीएम ने राज्य में सभी हुक्का बार बंद करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा साइक्लोथॉन यात्रा के समापन समारोह में की है। सीएम खट्टर ने इसका वीडियो अपने एक्स अकाउंट पर भी शेयर कर इसकी जानकारी दी है। आजकल व्यवसाय के तौर पर ऐसे स्थानों पर जो होटल हैं, खाने पीने की जगह हैं, मनोरंजन के स्थान हैं, वहां पर ये जो नशा करने के लिए हुक्का बार चलाए जाते हैं, अभी कुछ प्रदेशों ने उस पर प्रतिबंध लगाया है। और मैं आज घोषणा करता हूं कि हाँ, इन नशे वाले जितने भी व्यवसायिक हुक्का बार हैं, इनके ऊपर हरियाणा में प्रतिबंध लगाया जाएगा। एक विशेष बात जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, हम हरियाणा के प्राचीन संस्कृति के लोग भी हैं, ये जो गांव में परंपरागत हुक्के होते हैं, जो गांव के अंदर बहुत सामान्य तौर पर अपने चौपाड़ में अपने चारपाई पर बैठकर मुड्डे पर बैठकर हमारे बुजुर्ग जो हुक्का पीते हैं, उसके ऊपर ये लागू नहीं होगा। लेकिन आपको बता दें, यह नियम हरियाणा में गांवों में इस्तेमाल किए जाने वाले परंपरागत हुक्कों पर लागू नहीं होते हैं। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद्र गुप्ता ने मुख्यमंत्री खट्टर को पत्र लिखा था। पत्र में उन्होंने राज्य में होटल, रेस्टोरेंट, बार और क्लब्स में ग्राहकों को हुक्का परोसने की मांग पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। पत्र में उन्होंने यह आशंका जताई है कि हरियाणा बॉर्डर इलाकों में हुक्का बार पर बैन लगाए जाने से इससे संबंधित व्यापारी अपना कारोबार पंचकुला और हरियाणा के अन्य जिलों में फैलाने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए हरियाणा में भी एक सख्त कानून बनाया जाना चाहिए, जिससे कि ऐसे कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। गुरुग्राम से पी न्यूज की रिपोर्ट।